पहचाना नहीं? पहचान? अरे पहचान? लेकिन आपको कैसे टाइम मिल गया इंडिया आने का? वो मैं अरे इंडिया में इनके ऑफिस का कुछ काम था तो मैंने बोला चलो मेरे स्कूल के गैंग से मिलाती हूँ जिनके साथ मैंने कितने सारे कांड किए कुछ भी बोल रही उनके सामने ये तो आपको कुछ बोलने नहीं देती ना हमेशा ऐसी बोलती रहती है अरे ये सब छोड़ मुझे एक बात बता तू इतनी झल्ली से इतनी हॉट कैसे हो गई है कुछ भी बोल रही है यार अच्छा इनके सामने शर्म आ रही है वहाँ चल के अरे आ जा अरे अरे अब पता मुझे ये उसी का कमाल जिसके साथ तू इस पार्टी में आई है हाँ वो है कौन जरा हमें भी तो पता चले हमारी सुमो का दिल किसने जीत लिया हाँ जब वो आएगा ना तू उसे खुद ही देख लेना चौक जाएगी तू उसे देखकर ओहो तो ये बात है अब तो देखना ही पड़ेगा मगर वो है कहाँ अरे वो आते ही होगा तुम लोग अंदर जाओ और वेट करो मेरी ग्रैंड एंट्री का उसके साथ चल चल मैं आ रही हूँ जल्दी आना चल ना अरे बैग ये पूना भी ना अभी तक वैसे की वैसे कहाँ रह गया अभी तक नहीं आया फोन करती हूँ फोन भी नहीं उठा रही मैं लड़कियों का टाइम पर पहुंच सकती और ये कहीं मैं डेस्पो तो नहीं लगूंगी तू भी ना सुन थोड़ी देर रुक कर आना चाहिए था जल्दी इतनी रहती है ना हैंडसम लग रहा है चलो लेट आने के लिए माफ किया सुमो ये कौन है श्रवण 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 हे मंजू मैं मंजू नहीं हूँ गलत फहमी हुई है अब श्रवण 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 पार्टी में उस लड़की के साथ क्यों गया वो हाँ उस लड़की ने तो बिल्कुल मेरे जैसी ड्रेस पहनी है इसीलिए उसे सुमो भी बुलाया वो भी ना सुमन कुछ भी सोचती है कंफ्यूज हो गया होगा इसलिए उसके साथ चला गया होगा मैं अंदर जाती हूँ श्रवण Only couple entry. अरे मेरा पार्टनर वो देखो वो जा रहा है मैं उसी के साथ हूँ सॉरी मैम नो पार्टनर नो एंट्री मिस्टर बॉडी बिल्डर तुम्हें पता है ये मेरे स्कूल की रियूनियन पार्टी है मुझे यहाँ कोई नहीं रोक सकता समझे देखो अगर तुमने मुझे अभी अंदर जाने नहीं दिया ना तो मेरी एक आवाज में सब बाहर आ जाएंगे यहाँ पे मैम इतनी बहस करने का कोई फायदा नहीं है आप इन चारों में से किसी एक को ले जाइए ये सभी आपकी तरह बिना कपल के आए हैं बेलो तुम से कौन कौन अंदर जाना चाहते तो फिर यहाँ क्या खड़े हो काम करो तो उधर से तो मेरे पीछे हाँ कम ऑन अरे 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 रुको 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 कहाँ जा रहे हो अरे जाने दो हमको और क्या है ना अंदर अरे वो कौन सी लड़की कहाँ गई अरे वो सुमो सुमो स्कूल के जमाने में गुंडी थी वो जाने दो हम लोग अरे रुको रुको ये रुको अच्छा लुक रहा है इसका Hi, Suman. Hi. Wow. Shravan Kai.
क्यों रखी है? जिसका भी ये आइडिया है ना हमारे स्कूल टाइम के गाने बजाने का, बहुत फैंटास्टिक है ना? कितना मजा आ रहा है। सुमन कहाँ जा रही हो यार? कहाँ है तुम्हारा हीरो? हम तो वेट ही करते रह गए तुम्हारे ग्रैंड एंट्री के लिए। मैं मिलती हूँ। अरे यार कहाँ जा रही है, रुक तो। एक्सक्यूज मी, ये माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी ड्रेस है। एक्चुअली मुझे तुमसे पूछ रहा था, अरे सिंह कोई हमें साथ में देख लेगा तो? फिर तक कहाँ से खरीदी है तुमने ये डुप्लीकेट ड्रेस? सरोजनी से? जी नहीं, एक्चुअली जिस लड़की के साथ तुम आई हो वो मेरे साथ, लेकिन हमारी ड्रेस सेम होने की वजह से गलती से उसने तुम्हें मुझे समझ लिया। क्या कहा तुमने? श्रवण तुम्हारे साथ पार्टी में आने वाला था और गलती से मेरे साथ आ गया। हा? जी बिल्कुल ठीक सुना तुम, और ये ड्रेस भी मुझे श्रवण ने ही गिफ्ट की। और रियल? और अगर मैं ये कहूँ कि श्रवण ने ही मुझे ड्रेस गिफ्ट करी है और वो मेरे साथ पार्टी में आया, बिकॉज आई एम अ स्ट्रेट, तो मैं कहूँगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और तुम झूठ बोल रही हो। क्या हुआ उर्वशी, इज एवरीथिंग ओके? सुनो क्या बोल रही है लड़की, इसका कहना है कि श्रवण ने इसे ड्रेस गिफ्ट करी है। अब तुम ही बताओ क्या श्रवण किसी को पति हुई ड्रेस गिफ्ट करेगा? बट यू नो व्हाट, आई कैन रियली अंडरस्टैंड, श्रवण का साथ पाने के लिए लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और ये डिजाइनर ड्रेस की कॉपी पहन लेने से ना तुम उसकी देखनी बन जाओगी, समझी? एक ये तो श्रवण ही तय करेगा, बस एक बार मुझे वो मिल जाए फिर देखती हूँ। प्रतिभा प्लीज ऐसा मत कर यार। यार मैं दिल्ली से गुड़गांव स्पेशली तुझे पिक करने आया हूँ, तूने प्रॉमिस किया था ना कि मेरे साथ चलेगी। हाँ What? यार हस्बैंड के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो प्लीज कुछ करना यार, कोई बहाना बना दे यार, पार्टी में मेरी एंट्री की बैंक बच जाएगी, प्लीज समझ यार। यू शुड फील सॉरी फॉर मी या ओके ओके हेलो फ्रेंड्स। What are you waiting for? Hit the music. अंदर क्यों नहीं आया? कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। जैसे दिल है धड़कन है जैसे बरखा सावन है ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता मुझे एक लड़की मिली थी, उसने बिल्कुल मेरे जैसी ड्रेस पहनी, तो कह रही थी कि तुमने उसे वो ड्रेस दिया, वो झूठ कह रही थी ना।
मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे और किसी के साथ डांस नहीं करना। श्रवण, श्रवण, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वो जो लड़की जिसने ये सेम ड्रेस पहनी है, वो कह रही है कि तुमने उसे ये ड्रेस गिफ्ट किया है। मैंने तो उसे कह दिया कि वो झूठ बोल रही है ना? ये ड्रेस तुमने सिर्फ मुझे दिया ना, सिर्फ मुझे। आप मेरे साथ पार्टी में चलेंगी प्लीज? ड्रिंक्स ऑन मी। ओह यू आर सो क्यूट, बट यू नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड। नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे लिए ऐसे हजारों ड्रेस ला सकता हूँ, और तुम कहो तो तुम्हारे लिए श्रवण भी बन सकता हूँ। कम ऑन गाइस, आई एम सीरियस। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने सोचा कि वो तुम थे। श्रवण, मैं उस लड़की को यही बता रही थी कि ये ड्रेस तुमने मुझे दिया। प्लीज टेल हर कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं। सॉरी, ठीक से सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलना जरा। बचपन के दोस्त, वो भी तुम और मैं? दोस्तों, स्कूल के दिनों में कभी भी किसी ने भी हम दोनों को साथ में देखा? नहीं। पूर्णा महाजन, आपकी बेस्ट फ्रेंड सुमन तिवारी क्लेम कर रही है कि हम दोनों दोस्त थे, वो भी बचपन के। तुम तो हमेशा इसके साथ स्कूल में रहती थी, राइट? क्या कभी तुमने हम दोनों को बात करते हुए देखा? इससे मैंने तुझे कितनी बार कहा कि स्कूल में मुझसे मत बात क्या करिए, मेरी रेपुटेशन है।
तुमने बल्कि जहां तक मुझे याद है उल्टा ये कहती थी कि इसे मुझ जैसे लड़के पसंद नहीं, राइट? ये ना टीचर्स का फेवरेट पपी, I hate these yes sir type boys. Me too, yeah. इन 10 सालों में कभी भी तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की? कभी भी हेलो कहा फोन पर, इंटरनेट पर? देखो सुमन, ओ शुरू से सुमो, तुम्हारे सिवा यहां किसी को याद नहीं कि हम दोस्त हैं, तो ऐसा क्यों कहा तुमने? बोलो सुमन, सब सुनना चाहूं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? श्रवण, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये बहुत ही गंदा मजाक है। ओ कम ऑन सुमन, आई एम सीरियस। मजाक तो तुम कर रही हो आज अचानक सबके सामने मुझे अपना दोस्त साबित करने की कोशिश करके। श्रवण, सबको नहीं पता लेकिन तुम तो जानते हो। असली सवाल ये है दोस्तों कि आज अचानक ही ऐसा क्यों करना चाहती है? क्या बदल गया इन 10 सालों में जो ये जिसके साथ दिखना भी नहीं चाहती, खुद अपने शब्दों में जिसे ये पसंद नहीं करती थी, आज अचानक पार्टी में सबके सामने उसकी दोस्त बनना चाहती? मैं बताता क्या बदला। वो चश्मेश नर्डी श्रवण जिससे ये अपना होमवर्क करवाती थी, जिसका बेवकूफ बनाती थी, जिसका मजाक उड़ाती थी, वो आज सक्सेसफुल रिच श्रवण मल्होत्रा बन गई। और इस श्रवण मल्होत्रा से दोस्ती जोड़कर ये सोसाइटी में अपनी इमेज बनाना चाहती है। वैसे भी आजकल सक्सेसफुल लोगों का नाम लेकर उनसे दोस्ती बनाना फैशन सा बन गया, जबकि हकीकत यह है कि हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं। बस एक्चुअली अब लंदन से लेकर दिल्ली तक बहुत सी लड़कियां मेरी दोस्त बनना चाहती हैं, समझी ना तुम? और जहां तक बात रही इस ड्रेस की, तो मैं जब इसे जानता भी नहीं तो मैं इसे गिफ्ट करूंगा, इसका अंदाजा तुम अपने आप लगा लो। फालतू में लड़ाई करने की जरूरत नहीं। Hey, come on, guys. Let's party. Play the music. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.